10 अगस्त 2017 आज भी एक भयानक सपने की तरह मेरे रातों की नींदों को उड़ाता है, जब हर आधे घंटे पे एक बच्चे की मौत हो रही थी और हर माँ बाप ये चिल्ला चिल्ला के हमसे मांग रहे थे कि हमारे बच्चे को बचा लो, पर हम कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन 56 घंटों में 500 सिलेंडर्स लाने के बावजूद 400 बच्चों में से 70 बच्चे नहीं बच पाए। उसके बाद जो हुआ है, मेरी फैमिली का विक्टिमाइजेशन और उन 70 बच्चों की इंसाफ की कहानी। सीधी सादी सी जिंदगी, इतनी एक अच्छी खेलती समझ लीजिए, छोटा सा परिवार, सुबह मेडिकल कॉलेज जाना, वापस आना और अपनी फैमिली, माँ बच्चों बीवी के साथ जिंदगी गुजारना। छोटी सी बच्ची थी अभी 9-10 महीने की, सब कुछ सही चल रहा था, पर पता नहीं था कि जिंदगी एक पूरी यू टर्न लेने वाली है। एटलीस्ट फॉर गॉड सेक, एटलीस्ट स्टॉप राइटिंग मी ऑक्सीजन कांड का आरोपी है। अब तो आप लोग खुद भी थे, किस तरह से जिंदगी गुजरी है, पूरी फैमिली टूट गई, पूरी लाइफ 8 महीना, इट वॉज रियली हॉरिबल। मेरे बच्चे ने अपने जानते बहुत कोशिश की, बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, सेहत याब रहे, लेकिन हालात ऐसे मोड़ पे ले आए, कुछ समझ ही नहीं आता है क्या करें। हम तो सोचते हैं कि हमारे सब बदकिस्मत कोई नहीं। एक बंदा, एक डॉक्टर हु हैड द ऑप्शन ऑफ नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, ही सेव्ड पीपल। मैंने उनको मना किया कि जाने दीजिए, और भी डॉक्टर्स हैं। 2 दिन तक डॉक्टर कफील, 10 तारीख को पूरी दुनिया ने उनको हीरो बनाया, मसीहा बनाया, इंसान की तरह एफर्ट किया। हीरो नहीं है, हीरो क्या होता है, इंसान है हम लोग। जिसको इनाम देना चाहिए उसको आपने पनिश किया। बाद में जब ये हुआ कि हाँ इतने बच्चे इनकी वजह से बच गए, तो एक खुशी भी हुई कि चलो कुछ करने से, चलो इतने इनके स्ट्रगल से इतने बच्चे बच गए। तो ऐसा क्या डॉक्टर कफील ने किया था? मेरी माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को दूर रखा, और 9 महीने के बाद जब मेरा भाई मिला तो 2 महीने बाद एक दूसरे भाई को गोली मार दी। भाई ने क्या रखी, लेकिन एक सिक्के बाद एक ट्रेजेडी होती रही। उनके पापा चले गए दुनिया से, उसके बाद फिर खड़े हुए बच्चों को लेकर, तो ये परेशानी आ गई कि BRD मेडिकल कॉलेज वाली, हमारे खुद नहीं समझ में आता है कि मेरा बच्चा कैसे बाहर होगा। इस रात ये टेस्टी हुई थी, फिर मैंने उनको बहुत रोका भी था, लेकिन फिर अब नहीं, वो भी किसी के बच्चे हैं, मैंने उनको जाने दिया। अगर 2 साल और ज्यादा से ज्यादा बुरा हुआ, ऐसा बुरा हुआ कि जैसे लगा कि मर के वापस आए। उसके अलावा जो उसका दर्द था, जो पूरे घर में हर जगह था, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो लखनऊ में मेरा घर हो, हर घरों में जो एक मातम सा छाया हुआ था, और हर जगह वो सवाल था कि ऐसा क्यों। हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हमारे भाई की क्या गलती थी। अपनी माँ को लेके हज पे जा रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन हम लोग को ये खबर मिली कि मेरे भाई ये ऑक्सीजन की कुछ प्रॉब्लम हुई है, और भाई ने बहुत से बच्चों को बचाया है। वी फील प्राउड, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ और बहुत गर्व के साथ सर ऊंचा करके हम मम्मी के साथ हज पे चले गए। डॉक्टर कफील एक डॉक्टर से
कब किसी उसको क्रिमिनल बना दिया गया, कब हमारी फैमिली को आतंकवादी बोल दिया गया, हमारे घर पुलिस आने लगी, एसटीएफ आने लगे, हमारे किचन से लेके हमारा बेडरूम, हमारी अलमारियां चेक की गई, एक एक बेड का कोना, एक एक सामान उन्होंने फेंक दिया उठा के। और मेरे बच्चे एक ही रूम में 6 घंटे तक रहे बिना खाए पिए। हम लोग जेल जाते थे और किस हिम्मत से हम अपने भाई के पास खड़े होते थे कि हाँ भाई बस अगली डेट में हम आपको निकाल लेंगे, हाँ भाई अगली डेट में हम आपको निकाल लेंगे। मेरे भाई को कुछ खाने को मिला, सोया नहीं जाता था, गर्मी में एसी नहीं चलाया जाता था, पंखा नहीं चलाया जाता था कि वो कैसे गर्मी में सो रहा होगा, बेड पे सो रहा होगा कि गद्दे पे सो रहा होगा कि जमीन में सो रहा होगा, उसको कुछ खाने को मिला होगा कि नहीं। पुलिस स्टेशन कोई 11 बजे रात में आते थे, बहुत टॉर्चर किया हम लोगों को और ऐसे ऐसे लोगों के पास जाके मिलना पड़ा। कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही अलग था। सबके सामने हमको हाथ जोड़ना पड़ा, गिड़ाना पड़ा कि कोई तो मेरी सुन ले, लेकिन उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं करता था, सबको डर कफील बिले लगते थे। जिंदगी हम लोगों की ऐसी चेंज हो गई कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आप लोगों को सारी चीजें तो पता ही है, वो 2 साल आज 2019 का फरवरी 2019 हो गई है, कैसे जो है वो हम लोगों का बीता है हम ही लोग जानते हैं। और पुलिस, एसटीएफ, एसओजी, मतलब एक जैसे टेररिस्ट के साथ ट्रीट किया था वैसे हमारे ऑफिस पे, हमारे घर पे, हमारे जो क्लोज मिलने वाले हैं, जो भी हमको सपोर्ट करता था पुलिस उसको भी जाके परेशान करती थी। तो इस वजह से कोई हमसे मिलने नहीं आता था, ना डॉक्टर कफील से जेल में कोई मिलने आता था। मैं जेल में मिलने जिस दिन डॉक्टर कफील से पहली बार गया, अगले ही दिन जो है जेल से जैसे ही बाहर निकलता हूँ पूरी पुलिस फोर्स रहती है और मुझे उठा लेती है। फर्जी फंसाने के लिए किया गया है, कोई मतलब नहीं है, और ये फंसाया जा रहा है, कोई नौकरियां नहीं है, फर्जी फंसाया गया है। गुटा गुटा लगाओगे सरकार कर रही है। उनका एक साफ मैसेज था कि कोई उनसे मिलने ना जाए, लेकिन हम लोग, हमारी फैमिली, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग की फैमिली बहुत यूनाइट थी, चाहे वो भाई हो, बहन हो, बहनोई हो, हर एक आदमी ने जो है एकदम मजबूती से कफील को बेल हुई और वो बेल से बाहर आए 2000। ये जो 9 महीने का ट्रॉमा था तो ये तो पूरी जिंदगी जो है हम लोगों को मतलब याद रहेगा और इसको बयान नहीं कर सकते, उस जो पेन हम लोगों ने वो लिया हुआ है। आठ 25वें 26वें रमजान को मैं अपनी माँ की ये चप्पल लेके गया गोरखनाथ मंदिर के पास, अच्छा माहौल था, पीछे से जब तक आवाज आई जैसे लगा किसी ने कोई चीज पटक दी हो, स्टील की या लोहे की, मुझे एकाएक दर्द हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं मुझे चोट लगी है। फिर दूसरा फायर सामने से लोग आए, मुंह में कपड़ा बांधे हुए उन्होंने मुझ पर फायर किया, फिर मुझे लगा कि लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे गोली मार रहे हैं। मैं गाड़ी से कूदा, मैं भागा, मैं उसके बावजूद उन्होंने और गोलियां मार दी मुझे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं बेहोशी की हालत में जा रहा था, तब तक मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ शोर शराबा हो रहा है। खून बहा जा रहा था, उसको दर्द से चिल्ला रहा था, और जो हमारे साथ न्यूरोसर्जन डॉक्टर रणविजय दुबे थे उनका कहना था जो गर्दन में कैरोटिड के पास जो गोली फंसी हुई है उसे निकालना जरूरी है। मैं जान रहा था कि मेरे भाई की पल्सेस फीबल हो रही है, कभी भी जान जा सकती है, पर योगी जी की पुलिस ने डेलिबरेटली इंटेंशनली इमरजेंसी सर्जरी को डिलेड किया। आई कॉल्ड इट एज अ सेकंड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। यही झगड़ा
भाइयों पुलिस में बहुत झड़प हो रही है। पुलिस मुझे तेरे भाई से लड़के मुझे कहीं और लेना जाना चाह रही थी। फिर मैं बेहोशी की हालत में चला गया, मुझे होश आया तो मैं कहा कि मैं डिस्ट्रिक हॉस्पिटल जा रहा हूँ एम्बुलेंस से, और पुलिस हम को घेरे हुए वहाँ गए। वहाँ 2 घंटा करीब मेरा इन्वेस्टिगेशन हुआ। वहाँ से पुलिस ने कहा नहीं वो रिपोर्ट नहीं मानेंगे। फिर मेरे भाई और पुलिस में झगड़ा हुआ, वहाँ बहसबाजी हुई, वहाँ शोरगुल हुआ। वहाँ से मुझे मेडिकल कॉलेज ले गए, कई थानों की पुलिस आ गई। जैसे मैं मेरा इलाज होना था मुझे ही लोग लेके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने खुद कुछ गलत काम कर लिया हो। यहाँ से लगी यहाँ से पार हुई गोली, 1-to-1 आर पार हुई, यहाँ हाथ में गोली लगी। मुझे 3 गोली लगी 4 गोली लगी ये भी मुझे नहीं मालूम है किसने मारा, ये नहीं मालूम। 8 महीना हो गया आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्या मसला है, क्यों मारा है, किस वजह से मारा है? गोली मारने का टारगेट मेरे भाई को चुप कराना था, या हम लोग को चुप कराना था, या हमें डराना धमकाना था, या मुझे जान से मारना था, कुछ नहीं मालूम। गाड़ी चल रही है परेशान किए लोग, पुलिस वाले बहुत परेशान किए, दरवाजा तोड़ दिया आगे का। उसके बाद आगे का हम पहले वाला तोड़ दिए सब, उसके बाद हमने मन कर दिया। उधर से इसी सीढ़ी पर से चढ़ के उतर आ रहे, घर में कोई नहीं था, एक हम थे ये 2 बहू थी। बहुत परेशान थे बहुए लोग, सब लोग रो रहे थे आए सब, ये कई दिन नहीं कई दिन आए सब, इतना परेशान करते थे सब हर चीज से। बताओ बताओ कहाँ बताओ कहाँ बताओ, तुम लोग झूठ मूठ में खूब फंसा दिए लड़के को। मेरा लड़का गिरा था समझिए, तो इन्होंने छत से कूद करके मेरे बच्चों को ले, बच्चों को लेकर के भाग नंगे पैर कच्चा मंडा पहन करके। हस्बैंड को इन लोगों ने बचाया, पूरा परिवार, ब्लड की नदियां बह रही थी, पूरा घर संजय की खड़ा था पूरे उसमें नर्सिंग होम में। इनको कैसे बचाया गया? बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी का केस जो है वो गोरखपुर में चल ही रहा है, जिसमें हर 14 डेज पे जाना पड़ता है, फाइल मूव नहीं कर रही, इवन दो हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। बहराइच में एक केस सरकारी काम में बाधा डालने का डाल दिया है, उसमें भी हर 14 डेज पे बहराइच जाना होता है। इसके अलावा भाई को जो मारने की कोशिश की गई उसके लिए हम लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी के रिक्वेस्ट के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डाला है। अपनी सस्पेंशन बहाली के लिए भी हाई कोर्ट में केस डाला है। 25 लेटर लिख चुका हूं, इवन चीफ मिनिस्टर को भी, कि भाई रखना हो तो रखो नहीं तो निकाल दो। मुझे मारने की धमकी दे के इस तरह से डराना चाहते हैं, पर मैं बार बार योगी जी से कहता हूं कि डॉक्टर खान जो है इस तरह से डरने वाले नहीं।
बात सिर्फ डॉक्टर कफील की नहीं है, बात उन 70 बच्चों की भी है और पेरेंट्स के भी जो है, जो आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। और बात उन गुनाहगारों की भी है जो इस नरसंहार के बाद भी आज खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा ये वादा है आप सबसे, ये लड़ाई स्ट्रगल तब तक जारी रहेगा जब तक उन 70 बच्चों को इंसाफ न मिल जाए और जो गुनाहगार हैं जिन्होंने कमीशन के चक्कर में, करप्शन के चक्कर में वेंडर को पैसे नहीं दिए और इतनी बड़ी हादसा हो गया, उनको उनकी सलाखों के पीछे ना पहुंचा दूं। बाकी जो अपना मिशन है हेल्थ फॉर ऑल, उस पर हम काम करते रहेंगे। डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो।